लेकिन जब आप मुझसे सोल्यूशन पूछेंगे, घर जाके ट्राई करेंगे दोबारा, तो हो जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से होंगे, समझ के होंगे, परमानेंट होंगे. सो टी इज इक्वल टू जीरो पे लेफ्ट हैंड कैपेसिटर चार्ज था वी नॉट से, मतलब इस पे क्यू चार्ज था प्लस माइनस, वेर क्यू इज इक्वल टू सी वी नॉट, राइट. ये था टू बिगिन विद स्टोरी है. अब अपन ने इसको क्लोज कर दिया. ओके तो आप अपने वेरिएबल्स देखेगा ढंग से नहीं बनाए होंगे. मैं बोलता हूं किसी टाइम टी पे यहां पे चार्ज है क्यू टू प्लस माइनस, यहां पे चार्ज है क्यू वन प्लस माइनस. आप लोगों को क्या जल्दी सॉल्व करना होता है, जैसे कि वो कहते हैं ना टाइम लगता है, तो आप क्या करते हैं यहां पे लिख देते हैं क्यू माइनस क्यू, यहां लिख देते हैं क्यू, या यहां क्यू, यहां क्यू माइनस क्यू, जल्दी जल्दी सॉल्व करते ताकि और बहुत सारे फालतू काम कर सके, राइट. और होता कुछ नहीं, टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि आंसर आता नहीं है, फिर तीन बार और उसको ट्राई करते हैं, जबकि पहली बार आराम से धीरे धीरे कर लेते तो हो जाता, राइट. पर आपको बचपन से सिखाया बेटा फास्ट, फर्स्ट आना कोई भी सेम है मेरा, अरे आगे बढ़े. अरे छोटा मोटा तो चलता है यार, तुम छोटे मोटे भी गुस्सा आ जाते हैं, छोटा मोटा भी नहीं चलेगा ये तो इतना सा है 10 times. अरे ये लिख लो क्या जा रहा है इसमें, Q2 by C माइनस एल डी आई वन बाय डी टी माइनस क्यू वन बाय सी इज इक्वल टू जीरो. डी क्यू वन बाय डी टी को आई वन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसका प्लस जो होगा वो इधर होगा. यदि अपने डी क्यू बाय डी टी को लिख दिया आई तो मरेंगे, क्योंकि माइनस का लफड़ा फंस जाएगा. अब लिख दो आराम से, सॉल्व हो जाए. और आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, जो टीचर्स आपके बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं ना, वो सब घर पे करके आते हैं बहुत प्रैक्टिस,